व्याख्यान दो कक्षा नौवीं विषय हिंदी उप विषय पाठ एक दो बैलों की कथा। लेखक का नाम प्रेमचंद। प्रश्नोत्तर हल व्याख्यान एक दो बैलों की कथा। आज हम दो बैलों की कथा का शेष भाग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्याख्यान एक में हमने क्या पढ़ा था। व्याख्यान एक में हमने दो बैलों के बारे में जाना था। दोनों बैल ही आपस में घनिष्ठ मित्र की तरह थे। दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में उनके साथी थे। लेकिन उनका जो मालिक था झूरी, उसने अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों बैल उससे थोड़े नाराज थे। वे दोनों वहां से भाग आते हैं, लेकिन उनका जो मालिक यानी कि जो झूरी का साला होता है, वह उन्हें आकर वापस ले जाता है। वापस ले जाने के बाद वह उन्हें मोटी रस्सियों से बांध देता है, लेकिन उसकी छोटी जो बेटी होती है वो उसे वहां से भगा देती है। भागने के बाद उन दोनों बैलों के साथ क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले पूर्व थोड़े से प्रश्नों के माध्यम से हम कहानी के साथ जुड़ना चाहेंगे कि पाठ के लेखक का नाम बताओ। पाठ के लेखक का नाम क्या है बेटा? पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। दोनों बैलों के क्या नाम थे? दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी ने बैलों को कहाँ भेज दिया था? झूरी ने बैलों को अपने ससुराल में भेज दिया था। दोनों बैलों का सामना किससे हुआ था? दोनों बैलों का सामना सांड से हुआ था। दोनों किस खेत में घुस गए? दोनों मटर के खेत में घुस गए। अब मटर के खेत में उन दोनों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हीरा मोती का मटर के खेत में पकड़े जाना। जब सांड से उनका मुकाबला हुआ तो दोनों जीत गए। अब जीतने के बाद दोनों मदहोश थे, दोनों विजय के नशे में चूर थे, और इसी नशे के अंदर उन्होंने क्या किया कि वे फिर से मटर के खेत में घुस गए। पहले वो खा चुके थे, लेकिन अब फिर दोबारा से उन्हें भूख लगी और वे फिर मटर के खेत में घुसे। अभी वो घुसे ही थे कि वहां पर जो पहरेदार थे, जो दो आदमी वहां बैठे हुए थे, वे दोनों उन दोनों के पीछे भागे। अब दोनों जब भागे तो दोनों ने भागना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ कि हीरा तो खेत से बाहर पहुंच गया, लेकिन जो मोती था वो वहां पर पड़े हुए कीचड़ में, उसका जो खुर यानी जो पैर था वो फंस गया। अब पैर फंस गया तो जो मोती था वो चल नहीं पा रहा था, वो वहीं रह गया। हीरा वहां से चला गया था, लेकिन हीरा को जैसे लगा कि मोती नहीं आया तो उसने भी क्या किया, वहां पर वापस गया। वहां पर जब वापस गया तो उस मोती ने उसे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हीरा ने कहा कि मैं अपने मित्र को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन उसने बहुत बार समझाया, लेकिन हीरा वहां से नहीं गया। उसने अपनी मित्रता का प्रमाण दिया वहां रुककर। अब जब मोती वो आदमियों ने देखा कि वो मोती फंस गया है और हीरा भी वहीं पर आ गया, तो दोनों आदमियों ने उन दोनों को पकड़ लिया। अब पकड़े जाने पर उन दोनों के साथ क्या हुआ, ये अगर हम अगले दृश्य में देखते हैं। हीरा मोती का कांजी होश में बंद होना। जब उन दोनों आदमियों ने उन दोनों को पकड़ लिया, उसके बाद उन्हें कांजी होश में जाकर के बंद करवा दिया। कांजी होश क्या होता है बेटा? कांजी होश होता है ऐसा स्थान जहां पर आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता है, यानी मवेशी खाना। अब इन दोनों को भी इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि ये खेत में घुस गए थे और लोगों को डर था कि कहीं उनकी फसल खराब ना कर दें। क्योंकि आवारा पशुओं को इसीलिए कांजी हाउस में बंद किया जाता था क्योंकि वो लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे या किसी भी तरह की हानि लोगों को पहुंचा सकते थे। इसलिए उन दोनों के साथ भी वही व्यवहार हुआ जो दूसरे आवारा पशुओं के साथ होता था, उन्हें कांजी हाउस में जाकर के बंद कर दिया गया। अब बंद तो कर दिया गया, अब लेकिन उनके साथ जो हुआ वहां पर वो अलग ही दृश्य था कि उन दोनों को बंद कर दिया गया। वह वहां अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे जानवर वहां थे। घोड़ियां थी, ऊंट थे, भैंसे थी, गधे थे, सब मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। ना उन्हें दारा चाना दिया जाता था, ना उन्हें पूछा जाता था खाने के लिए, पानी तक भी नहीं दिखाया जाता था। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब हीरा और मोती के मन में तो विद्रोह की ज्वाला उठ रही थी। कभी वो अपने आप को देखते थे तो कभी उन जानवरों के बारे में सोचते थे कि ऐसी हालत में वो यहाँ कैसे रह पाएंगे। उन्हें तो लगा कि हमारा तो बहुत बुरा हाल है, इससे अच्छा तो हम गया कि यहाँ पर ही थे। कम से कम हमें भूसा तो दिया जाता था, चारा तो दिया जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहुत ज्यादा भूखे थे, और भूखे होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि वहां की दीवार की जो मिट्टी थी वो चाटनी प्रारंभ कर दी। अब जब वो चाटने लगे तो दीवार की जो मिट्टी थी वो नमकीन लगी उन्हें। अब नमकीन लगी तो धीरे धीरे चाटते चाटते उन्होंने थोड़ा सा सिर मारना प्रारंभ किया हीरा ने, तो वो दीवार थोड़ी टूटने लगी। हीरा ने अपने सींगों का प्रहार जारी रखा और वो दीवार थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। जैसे ही वो दीवार टूटी, वहां का चौकीदार भागा हुआ आया। उसने देखा कि शरारते कर रहे हैं यहाँ पे जानवर, अर्थात हीरा को जब उसने देखा कि तो दीवार तोड़ रहा है, तो उसने उसे मारा और मोटी रस्सी के साथ बांध दिया। तो मोती ने कहा, और जाओ
दीवार तोड़ने वाले बड़े आए दूसरों को छुड़ाने वाले। तो उसने कहा कि मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा, अगर ये दीवार आज टूट जाती तो देखो कितने जानवरों की जान बच जाती, हम भी शायद बच जाते। लेकिन अब क्या हुआ, मैं अपना जो साहस है उसे नहीं छोड़ूंगा। जब मोदी ने हीरा के मुख से ये सी बात को सुना तो उसके मन में भी जोश आ गया। उसने भी क्या किया, बड़े जोश के साथ दीवार की जो मिट्टी है उसको कुरेदना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 2 घंटों की जो आजमाइश के बाद वो जो दीवार थी वो लगभग आधी गिर गई। अब दीवार का गिरना था कि जो जो मरे हुए जानवरों की तरह पड़े हुए थे उनमें सब में जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियां भागी, फिर बकरियां भागी, फिर भैंसे भागी, और जो गधे थे गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। अब मोदी ने उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं जाते हो, तो कहते कि अगर हम जाएंगे तो हम फिर से पकड़ लिए जाएंगे। उन्हें सींग मार मार कर मोदी ने उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन हीरा जो था वो मोटी रस्सी से बंधा हुआ था इसलिए वो नहीं जा सकता था। अब मोती ने क्या, मोती को उसने कहा कि तुम ऐसा करो तुम यहाँ से भाग जाओ जैसे और जानवर भागे हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुम मेरे मित्र हो, मैं मुसीबत में पड़े हुए मित्र को छोड़कर चला जाऊंगा तो ये कैसा धर्म है, मैं ऐसे धर्म को नहीं निभाना चाहता। तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो सब समझेंगे कि सारी शरारत है वो तुमने की है। तो कहता है कोई बात नहीं, दोनों फंसेंगे तो इकट्ठे ही फंसेंगे। वो भी हीरा के पास जाकर बैठ गया और जैसे ही हीरा और मोती को इकट्ठा देखा और बाड़े की हालत को चौकीदारों ने देखा तो वो समझ गए कि जो कुछ भी हुआ है वो इन दोनों ने किया है। उसके बाद दोनों को मारा पीटा गया, मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। उसके बाद क्या हुआ अगले दृश्य में देखते हैं। हीरा मोती कसाई के हाथ में, देखे बेटा जब क्या हुआ कि जब उनको बाड़े में बंद कर दिया गया फिर से ना उन्हें और भी बुरी हालत हुई उनके साथ कि उन्हें कितने दिनों तक चारा नहीं दिया गया, पानी भी नहीं दिया गया। अब दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, दोनों बैल जो थे वो बहुत दुर्बल कमजोर हो गए थे, उनकी हड्डियां निकल आई थी, ठठरियां निकल आई थी, तो जो भी उनकी जो हालत थी वो देखने लायक थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि दोनों बैल बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे को निहारते रहते थे, मन में सोचते थे कि हम गया के घर से नाहक भागे, ऐसे ही भागे, कम से कम मालिक सोतेला था पर भोजन तो देता था। लेकिन फिर उनके मन में क्या हुआ कि आपस में एक दूसरे के प्रति विचार जो थे वो सद्भावना के विचार थे, सहानुभूति के विचार थे। तो अचानक उन्हें बाड़े के बाहर डुगडुगी की आवाज सुनाई थी। उन्हें लगा कि बाहर आवाज कैसी है, तो देखा कि थोड़े समय के बाद थोड़ी ही देर में वहां 50-60 लोग इकट्ठे हो गए। 50-60 लोग जैसे ही इकट्ठे हुए तो वहां नीलामी लगाने प्रारंभ कर दी गई। नीलामी से पहले जो लोग आ रहे थे वो बार बार उन बैलों को छूकर देख रहे थे, कोई उनके शरीर पर हाथ लगा रहा था, कोई पैर को, सब उनकी तरफ देखते और दुर्बल बैलों को देख करके अपना मुंह बनाते और वहां से चले जाते। अब वो समझ गए कि जो भी उन्हें देखने आ रहा है या तो उन्हें मारने वाला है या उन्हें उनके साथ काम लेने वाला है। वो कहते हैं कि भगवान इससे बुरा और हमारे साथ क्या कर सकता है कि अगर मारता है तो मार दे, अगर पशु का जन्म लिया है तो ये सब सहना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक वहां पर दड़ियल व्यक्ति आया। जो दड़ियल व्यक्ति था वो एक कसाई था। अब कसाई जब आया तो उन्होंने क्या किया, उस कसाई ने दोनों बैलों को अच्छी तरह से आकर के देखा, उनके खोलों में उंगलियां गोद गोद कर देखी कि क्या है। तो उसने कहा कि खाल वाल हड्डी सब काम आ ही जाएंगी, ये सोचकर उस कसाई ने उन दोनों बैलों को खरीद लिया। अब दोनों नीलाम होकर के कसाई के साथ चल पड़े। अब चल पड़े तो कसाई और अपने भाग्य को कोसने लगे। अब कसाई भी जो था वो उन्हें भगाए लिए जा रहा था। रास्ते में गाय बैलों का रेवड़ उसे नजर आया, उन्हें देख करके उन्हें लगा कि शायद ये उनकी कुछ मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्हें लगा कि उन्होंने तो इतने सारे जानवरों की जान बचाई और आज ये स्वार्थी पशु है जो उनके अपने भाइयों को बधिक पड़े हुए देखकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा समय बीतने लगा तो वो क्या हुआ कि ऐसे रास्ते से निकले जो उन्हें थोड़ा परिचित लगा। अब बात आई कि परिचित मार्ग पर पहुंच रहा। अब दोनों को ऐसा लगा कि हम तो क्या हैं, जाने पहचाने गांव में पहुंच गए हैं। अब झूरी के द्वार, अब क्या हुआ कि जैसे ही वो उस गांव में पहुंचे, अब गांव में पहुंचने पर तो देखो अपने जो शक्ति जो खो चुके थे शक्ति, वो शक्ति उनमें वापस आ गई और उस शक्ति के साथ दोनों वहां से भागे। कसाई उनके पीछे पीछे, बैल आगे आगे। वो दोनों के दोनों बैल जाकर के झूरी के द्वार पर खड़े हो गए। अब उन्हें लगा कि ये तो रास्ता कहीं भागे हैं, वो जो कसाई था वो उनके पीछे पीछे भागा। अब जैसे ही अपने मालिक के द्वार पर वो पहुंचे उनके अंदर तो दुगनी ताकत आ गई और झूरी ने जब उन्हें देखा तो वो भी दौड़ पड़ा उन्हें गले लगाने के लिए। अब बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली और कहा, झूरी ने कहा, ये मेरे बैल है। कसाई बोला, मैं तो इन्हें नीलामी में से खरीद कर लाया हूँ, ये तुम्हारे बैल कैसे हो सकते हैं। वे बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा।
तो झूरी ने कहा कि मैंने तो बैलों को बेचा ही नहीं, तो ये बिकेंगे कैसे? वो कहता है मैं तो इन्हें नीलाम लिए लेकर आता हूँ, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बिकेंगे नहीं, मैंने तो इन्हें खरीदा है। तो मोती भी जो गुस्से में आ गया, उसने क्या किया कि दड़ियल पर प्रहार करने की कोशिश की। दड़ियल वहां से हाथ छुड़ाकर भागा, मोती उसके पीछे पीछे, दड़ियल उसके आगे आगे भाग रहा था। काफी दूर निकल जाने पर जब दड़ियल दूर चला गया तो वो वहां से दूर से ही चिल्लाने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने इन्हें खरीदा है और मैंने यहां से लेके जाऊंगा, तुम इन्हें अपने पास नहीं रख सकते हो। लेकिन मोती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और दड़ियल डर के वहां से भाग गया। मोती वापस अपने मालिक के पास आया। हीरा और मोती की ऐसी हालत को देख करके गया के मन में बहुत दुख हुआ। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने बैलों को दूसरे के यहाँ बेचकर या दूसरों के यहाँ भेजकर अच्छा नहीं किया उसने। और गांव के जो लोग थे उनमें भी उत्साह छा गया, उन बैलों को वापस देख करके सब इकट्ठे हो गए। उनकी जो मालकिन थी वो भी घर से बाहर निकल आई, जिस मालकिन ने कभी उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कह दिया था या अपने भाई के हाथ भेज दिया था, वो मालकिन भी उन बैलों की हालत को देख करके दुखी हुई। दोनों के गले लगाया और उनका माथा चूमा, उसके बाद नान में बहुत सारा चारा डाला गया और दोनों बैलों को खिलाया गया। झूरी के द्वार पर मालिक का प्रसन्न होना। झूरी के द्वार पर बैलों को अपने द्वार पर देखकर मालिक क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और वे उन्हें बैल वापस मिल गए। अब फिर से मौखिक परीक्षा है बेटा आपकी, कि दोनों मित्र सप्ताह भर कहां बंधे रहे, कांजी हाउस में। उन्हें कितनी बार खाना दिया जाता था? एक बार भी नहीं, सिर्फ दिखाया दिया जाता था, दिया नहीं जाता था। दीवार कितने घंटे में टूटी थी? जो राजमाइश के बाद 2 घंटे में वो दीवार टूटी थी। नीलामी किसकी हो रही थी? किसकी हो रही थी? दोनों बैलों की हो रही थी। अब आपके लिए थोड़े से कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ मैंने अभी बताए थे, लेकिन फिर से बताती हूँ कि कांजी होस यानी मवेशी खाना, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ आवारा पशुओं को बांध कर रखा जाता है उस स्थान को कहा जाता है मवेशी खाना। उज्जड़पन यानी शरारती स्वभाव, ये शरारती स्वभाव हमें कहाँ देखने को मिला? जब हीरा और मोती ने बाड़े की दीवार को अपने सींगों से तोड़ा, अर्थात उसके उज्जड़पन को देख करके जो कांजी होस के अधिकारी थे वो सख्ते में आ गए थे और दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया। नीलामी का अर्थ होता है बोली लगाकर खरीदना, अर्थात उन्होंने क्या की थी, उसकी बोली लगाई थी और फिर उन्हें खरीदा था। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत या संकट। दोनों बैल क्या थे? विपत्ति में दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। अब आगे प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं हम। 2 प्रश्नों की चर्चा इन्हीं पढ़ाए गए पाठ के आधार पर ही है कि कांजी होस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी होस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्यों? क्योंकि ताकि ये पता चल सके कि जो दोनों बैल वहां पर या जो पशु वहां पर इकट्ठे किए गए हैं या लाकर जमा कराए गए हैं तो वो वहां है या नहीं है, उनमें से कोई जो जानवर है वो भाग तो नहीं गया, या फिर कोई बीमार तो नहीं है, या फिर किसी ने कोई शरारती हरकत तो नहीं कर दी है। दूसरा है कि किन घटनाओं से पता चलता होगा कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। देखो, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी, कि जो दोनों एक दूसरे का मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते थे, दोनों मित्रों में घनिष्ठता थी, दोनों मित्र अगर नान में लगाए जाते थे तो एक अगर चारा खा लेता था तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था, दोनों के मन में यह इच्छा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसके कंधों पर ही पड़े। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हुईरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, ये आपका गृह कार्य है। 3रा प्रश्न है, ये आपको पिछले पाठ के आधार पर भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, कि हम गया और झूरी के माध्यम से इन दोनों के संबंध कैसे थे पशुओं के साथ, इसका वर्णन हमें करना है। अगला है कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब हमें उसकी विशेषता बतानी मोती की, कि मोती की क्या विशेषताएं थी जब उसने उन प्राणियों की जान बचाई, उसके आधार पर और पिछली कहानी के आधार पर भी। अब है हमारा बेटा पिछले व्याख्यान के प्रश्नोत्तर हम करेंगे, जो व्याख्यान 1 में हमने प्रश्न आपको गृह कार्य में दिए थे उसकी चर्चा मैं अब यहाँ करूंगी, ताकि आपने अगर नहीं किए हैं या कर लिए हैं तो भी आप अपने प्रश्नों के साथ उनका मिलान कर लें कि आपके उत्तर सही है या नहीं। छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों मर आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। वो जानती थी कि जैसा दर्द वो सौतेली माँ का सहन कर रही है ऐसे ही ये सौतेले मालिक का कर रहे हैं।
इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा मैंने पीड़ा को देखा तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं और अपने मालिक से क्या हो गए हैं, वो दूर हो गए हैं। अगला प्रश्न था कि कहानी में बैलो के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति से मतलब मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला, कि मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, हीरा और मोती ने अपने मित्रता का प्रमाण दिया, दोनों ने एक दूसरे को मुसीबत में नहीं छोड़ा। जब मोती मटर के खेत में फंसा तो हीरा उसे छोड़कर नहीं भागा, और जब हीरा कांजी हाउस में फंसा तो मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। देखो, जब छोटी बच्ची की बात आई थी तो छोटी बच्ची ने अपनी माँ की चर्चा की थी कि वो उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है, तो मोती ने कहा था कि चलो बैल को, जो औरत को है ना, सींगों पर उठाकर फेंक देता हूं। तो लेकिन हीरा ने उसे रोका था, कहा था कि जो मनुष्य है उसे नारी जाति का सम्मान करना चाहिए, और पशु भी नारियों पर, स्त्री का सम्मान करते हैं, उस पर हाथ नहीं उठाते हैं। स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, इसके लिए अगर संघर्ष भी करना पड़े तो तैयार रहना चाहिए। हमारे देश के लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारी यातनाओं को सहन किया था, और मोती और हीरा ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए अनेक संघर्ष किए। तो हमें भी अगर आजादी चाहिए तो उसके लिए अगर हमें किसी भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत कहानी में गधे की किन विशेषताओं के आधार पर प्रेमचंद ने उसके लिए किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। देखो, गधे की स्वभाव की दो विशेषताएं हैं, एक है मूर्खता, दूसरा है सरलता और सहनशीलता। लेकिन इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता व सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। ये ऋषि मुनियों की तरह सुख दुख हानि लाभ तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बनने का गुण रखते हैं। देखिए, इनमें भी वो गुण है जो ऋषि मुनियों में है। ऋषि मुनि क्या होते हैं, हमेशा एक स्थिति में एक जैसे ही रहते हैं, उन पर सुख दुख हानि लाभ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से गधे को भी मारा पीटा जाए, सूखी घास खाने को दे दी जाए, तो वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो कभी भी अपने दुख को प्रकट नहीं करता। उसके जीवन में सुख और दुख उसे एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए गधा ऋषि मुनियों से भी ऊपर है, उनके गुणों से भी ऊपर है। ठीक है, बैल को फिर भी हम कभी ना कभी क्रोध करते हुए देख सकते हैं, लेकिन गधे को हमने कभी भी दुखी होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। देखिए बेटा, आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ कि जो पिछले प्रश्न हैं और जो आज मैंने आपको गृह कार्य में दिए हैं उनके उत्तर आप अपने साफ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की शंका आपको आज के गृह कार्य में होगी तो वो हम अगले व्याख्यान में आपका जो समस्या होगी उसका हल आपको अगली व्याख्यान में देंगे, और उस गृह कार्य की प्रश्नों की जो चर्चा है, उत्तरों की जो चर्चा है, वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। और अगले व्याख्यान में बेटा हम इससे संबंधित व्याख्यान एक और व्याख्यान दो में जो भी आपको मैंने पाठ समझाया है उसका एक बार से फिर से संक्षिप्त वर्णन आपके सामने होगा, और उसमें जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उसके आधार पर ही आपकी एक लिखित कक्षा परीक्षा भी होगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।